हेलो गाइस, अभी हम लोग पार्ट टू के फर्स्ट मंदिर में जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा हो तो पहले आप लोग जाकर पार्ट वन देख लें। और गाइस, आप लोग इधर भी देखिए, ऊपर के साइड कितनी सुंदर तरीका से दीवार में चित्रकला की हुई है। सो गाइस, अभी चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर के साइड। सो गाइस, चलिए अभी हम लोग दर्शन करते हैं राधा कृष्ण जी के। सो गाइस, इस मंदिर का नाम है जौल मंदिर। ये मंदिर जो है गाइस बिल्कुल पानी के बीच में है, इसीलिए इस मंदिर का नाम जौल मंदिर है। और गाइस, इधर बहुत सारी रंग बिरंगी फिश भी है। सो गाइस, आप लोग देखिए कि इधर कितनी सारी ऑरेंज कलर की फिश है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। गाइस, आप लोग देखिए, इधर बहुत सारे हिरन हैं और हम लोग इनको बिस्किट्स भी खिला रहे हैं। और गाइस, आप लोग इधर देखिए, बहुत सारे डक्स भी है। सो गाइस, अभी हम लोग थर्ड टेंपल में आ चुके हैं। और गाइस, ये मंदिर भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और गाइस देखिए, इधर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है और कितने सारे प्लांट्स और ट्रीज है। सो गाइस, अभी हम लोग फोर्थ टेंपल में आ चुके हैं। और गाइस, ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो गाइस, अभी हम लोग फिफ्थ टेंपल में आ चुके हैं। और गाइस, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है।
और गाइस मंदिर जो है बहुत ही अंदर में जाकर है। और गाइस इधर बोला जाता है कि 108 भगवान जी विराजित है। और गाइस भगवानों की मूर्ति देखिए कितनी रियलिस्टिक है। तो गाइस वाओ देखिए कितने सारे भगवान जी है और ये पूरे 108 भगवान जी है। सो गाइस अभी चलिए चलते हैं मंदिर के बाहर की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग एक और मंदिर में आ चुके हैं और ये मंदिर भी बहुत ही आलीशान है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं मंदिर के अंदर की तरफ। सो गाइस ये मंदिर भी बहुत ही सुंदर है और अभी वीडियो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही पार्ट 3 आएगा। टिल देन टाटा बाय बाय।